मराठी भाषेचा कार्यक्रम जो केला आहे अत्यंत सुंदररित्या पार पडलेला आहे. आम्ही भरपूर सगळ्या महिलांनी छान एन्जॉय केलेला आहे. सेंटर लुक दो ना. आणि मला गर्व आहे मी मराठी असल्याचा. मराठी भाषेला शुभकामना देण्यापेक्षा मला असं वाटतं की मी मराठी असल्याचा मला जास्त अभिमान आहे. तर मी शुभकामना देण्यापेक्षा मी सांगेन की मला गर्वाचा आहे मराठी असल्याचा. आणि आज आम्ही हा एक प्रयत्न केलेला आहे मराठी लोकांसाठी, मराठी जनतेसाठी आणि मराठी भाषेसाठी की एक सर्वांनी एकत्र यावं आणि असे आपल्या मराठीने जे जे दिलेलं आहे ते एक गाण्याच्या स्वरूपात आम्ही लोकांसमोर ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आदरणीय संजय निरुपमजींच्या आदेशानुसार आम्ही हे सर्व प्रयत्न करतो आहे आणि असे प्रयत्न ह्याच्या पुढेही करत राहू. ह्याची तयारी करायला आम्हाला जवळपास एक 15 दिवसापासून आम्ही सर्व तयारी करतो आहे. आणि आदरणीय संजयजींनी आम्हाला हवं ते पाठबळ या प्रोग्राम करण्यासाठी दिलेलं होतं. मला फ्री हँड दिला होता हा सगळा प्रोग्राम करण्यासाठी. मी माझे 100% दिलेले आहेत या प्रोग्राम सक्सेस करण्यासाठी. आणि गुरु ठाकूरजींच्यासारखं एक मोठं नाव मराठी भाषेतलं आज इकडे परफॉर्म करत आहे आणि हे मला वाटतं आमच्यासाठी ही मोठी एक अचीवमेंट पण आहे. गुरु ठाकूरजींचा हा एक्सक्लुसिव्ह प्रोग्राम आहे पण आम्हाला शुभकामना देण्यासाठी चिनारजी आलेले आहेत, आमचे मित्र अमितजी आलेले आहेत, तसंच माननीय कपिल पाटीलजी आले आहेत, असा बराच गुणी वर्ग आलेले आहे, आसावरी जोशीजी आलेले आहेत. काही कलावंत येणार होते पण त्यांचं मराठी भाषा दिनाचे बरेच ठिकाणी प्रोग्राम असल्यामुळे ते येऊ शकले नाही आहेत. तर त्याबद्दलही आम्हाला थोडंसं पुढच्या वेळेला अगोदर तयारी करून लोकांना, सर्व कलाकारांना अगोदर त्याची वेळ घेऊन आम्ही हा प्रोग्राम करणार आहोत. नाही, हे हा प्रोग्राम करायला मी संजयजींकडे गेलेलो नाही आहे. संजयजींनी आम्हाला हा प्रोग्राम स्वतः करतात. यावेळेला आम्ही त्यांच्याकडून मागून घेतलेलं की आम्हाला यावेळेला मुंबई काँग्रेसपेक्षा तुम्ही आम्हाला गोरेगावला द्या, आम्ही गोरेगावला सक्सेस करून दाखवू. आणि त्या पद्धतीने आम्ही हा प्रोग्राम घेतला होता. सरप्राइज की बात है कि खुशी की बात है क्योंकि ये बहुत कम होता है कि एक ऐसे ऑड डे में किसी अलग विषय पे प्रोग्राम होना और लोगों को, तो इन लोगों का आभारी हूँ मैं कि जिन्होंने ये सोचा और इतना बड़ा मंच हमें उपलब्ध करके दिया. तो आप जब इस मंच के लिए आपको आना था तो किस तरह की परफॉर्मेंस और किस तरह के गीत हैं जो लोगों के बीच एक अच्छा और खास करके मराठी भाषा दिन था तो क्या कुछ खास था इस मंच के लिए? आज इस मंच के लिए ये था कि मराठी, बेसिकली मराठी फिल्मों के लिए लिखता हूँ मैं, मराठी गाने और पॉपुलर है कुछ पोएट्रीज, तो मराठी ऑडियंस के दिमाग में ये वो जो चाहते हैं थोड़ी बहुत जानकारी रहती है. लेकिन अक्सर ये होता है कि मासेस का एक अलग चॉइस होता है, एक क्लासेस का अलग होता है. लेकिन बहुत कम जगह ऐसे होता है कि दोनों तरह के गाने जो है, ये दोनों तरह के परफॉर्मेंस लोग सराहना मिलती है उस तरह. तो यहाँ आज मैंने वो महसूस किया कि दोनों तरह के गाने, मैंने कुछ सीरियस टॉपिक भी, कुछ डांस नंबर भी लिए. लेकिन हमेशा ये होता है कि अच्छा ऑडियंस आपको मिलना, अच्छा ये बहुत भाग की किसी भी कलाकार के लिए चीज़ होती है कि अच्छा ऑडियंस. इसके लिए मैं इस मंच, जिन लोगों ने ये अरेंज किया, इन सब लोगों का आभारी हूँ क्योंकि ऐसा ऑडियंस उन्होंने दिया. क्योंकि उसके बगैर आर्टिस्ट कुछ नहीं, अगर अच्छा रसिक ना हो तो आर्टिस्ट जीरो है. आप एक एक्टर है, एक स्क्रिप्ट राइटर है, एक डायरेक्टर है, कितने सारी चीज़ों को आप पूर्ण करते हैं, तो इसमें कितनी मतलब कितनी कठिनाइयाँ कुछ आती है, दिक्कतें आती है, मतलब एक इंसान इतने सारे किरदार को प्ले कर रहा हो? नहीं, अक्सर क्या होता है कि चीज़ें जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है. मतलब हर कोई परफॉर्मिंग आर्ट होता है तो एक आर्ट का दूसरे आर्ट से कुछ ना कुछ ताल्लुक होता है जिसकी वजह से वो अपने आप निकलता है. तो जब मैं खुद स्टोरी लिखता हूँ तो उसमें से ही गीत निकलते हैं तो ज़्यादा आसानी होती है. मैं परफॉर्म हूँ, एक्ट हूँ, तो डायलॉग लिखते समय मैं ये महसूस करता हूँ कि इस किरदार को मैं निभा रहा हूँ तो किस तरह से निभाऊँगा. तो वो एक दूसरे की मदद होती है, एक दूसरे हर आर्ट के लिए. तो अपकमिंग क्या होगा दर्शकों के लिए? अपकमिंग अभी कुछ फिल्में कर रहा हूँ, अभी
मतलब अब लिख रहा हूँ कुछ गाने हैं। अभी आजकल क्या हुआ है कि अनाउंसमेंट करना अलाउ नहीं होता जब तक, लेकिन कुछ नॉवेल बेस्ड मराठी के दो अच्छे नॉवेल्स पे दो फिल्में लिख रहा हूँ मैं, जो काफ़ी पॉपुलर नॉवेल है, लेकिन अभी मुझे उसकी अनुमति नहीं है कि मैं इसके बारे में कोई अनाउंसमेंट करूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग उसको पसंद करें। और जिस तरह से भारतीय वायुसेना ने आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है, आपका क्या रिएक्शन होगा, आप क्या कहना चाहेंगे? रिएक्शन खुशी है, बस जय हिंद चिल्लाने का मन करता है वो सुबह सुबह जब न्यूज़ में आए, क्योंकि पिछले 10-12 दिनों में एक डिप्रेशन मुझ में ही नहीं, एज अ पोइट या एज अ राइटर नहीं, हर जगह पे आप कोई ट्रेन में जाओ, पब्लिक किसी भी प्लेस पे आप जाओ, एक उदासी का सुर था, कुछ भी करना है तो लोग उदास से नज़र आते थे, और जैसे ही कल ये हुआ है जब से, तो एक जैसे कुछ बड़ी उपलब्धि होती है, बड़ा मतलब हाँ, आप किसी को भी देखो बाहर, आप ट्रेन में जा रहे हो कि रिक्शा में जा रहे हो, हर आदमी इसके बारे में बोलते हैं, तो ये चीज़ कुछ चीज़ें होती है कि आपको उसके अनाउंसमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, अंदर छुपा हुआ एक ब्लास्ट पॉसिबल होता है ना, जो वैसा हो गया, हर कोई बच्चा बच्चा जानता है, आज मीडिया सबसे बड़ा श्रेय तो उसके मीडिया का, क्योंकि ये चीज़ें लोगों तक पहुँचाने में मीडिया का सबसे बड़ा हाथ है, कि जिस जब सुबह हमने टीवी ऑन किया और जैसे ही मालूम हुआ कि हमने कर दिखाया है, तो सबको सलाम। युवा है समीर जी के इस कार्य को लेकर क्या कहना चाहेंगे उन्हें? समीर जी का सबसे बड़ा हाथ है इसके पीछे, वरना ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि उन्होंने जब ये कहा मराठी, उनका इसके लिए है कि जो मैंने शुरू में कहा कि एक छुट्टी का दिन है, ऑड डे, उस पर इतनी रिस्क लेना, मतलब मैं भी सोचता हूँ कि मैं इनकी जगह होता तो कितना टेंशन में होता कि अरे यार एक ऑड डे, 6 बजे लोग काम पे जाएंगे, लेकिन एक हिम्मत के साथ उन्होंने कहा, मैंने भी उनसे जो अपने एडवोकेट संदेश जी उनसे पूछा था कि ये ऑड डे तो लोग आएंगे या नहीं, नहीं तो उन्होंने कहा कि समीर है, तो मुझे पूरी, आज भी सुबह वो कहीं बाहर थे और मैंने पूछा कि आप तो बाहर है, नहीं समीर है तो मुझे कोई चिंता नहीं है, तो उनके लिए मतलब ये अर्जुन के पीछे जैसे कृष्ण होते वैसे उन्होंने इनके बारे में कहा, तो सारा श्रेय इनका है। आप क्या कहना चाहेंगे इस मंच पे, जिस तरह से आपने परफॉर्मेंस दिया और आज मराठी भाषा दिन था, तो क्या कहना चाहेंगे इसके? ये कार्यक्रम इतनी बहुत बड़ी ऑडियंस थी, तो हमें भी रियली एंजॉयड परफॉर्मिंग हियर, तो हमें लगता है कि ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, भले ऑड डे हैं फिर भी इतनी तादाद में लोग आए थे, तो मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रम और भी होने चाहिए कि लोगों तक ये गाने पहुंचने चाहिए, क्योंकि ये जो गीतकार है वो नॉर्मली क्या होता है कि ये सब जो गीतकार है, संगीतकार है, वो सब नॉर्मली पर्दे के पीछे रहते हैं, वो कभी दिखाई नहीं देते, तो उनके मुँह से उनकी ज़बानी एक्चुअली अगर लोगों को सुननी मिले कि किस तरीके से उन्होंने गाने लिखे हैं, तो पीपल रियली एन्जॉय दैट, तो मुझे ऐसा लगा कि आज लोगों ने वो बहुत एन्जॉय किया और ऐसे कार्यक्रम और भी होने चाहिए ऐसे मुझे। Ready? Yeah. आज जागतिक मराठी दिवस, मराठी भाषा दिवस निमित्ता ने मुंबई कांग्रेस ने आज कार्यक्रम इथे आमचा केला, त्याबद्दल मी सर्व टीम से मनापासून आभारी आहे, कारण उत्तम मराठी का म्हणा आज मराठी दिवस आहे, तर एक मराठी काम आणि मराठीत सादर केला आम्ही कार्यक्रम आणि त्याला मराठी रसिकांनी मनापासून दाद दिली, तर आजच्या दिवशी आमच्या रसिकांपर्यंत पोहोचण्याची संधी आम्हाला उपलब्ध करून दिली, यासाठी यांचे मनापासून। नमस्कार, मैं निरंजन पाल, मुंबई कांग्रेस ओबीसी सेल मुंबई उपाध्यक्ष। आज पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये पूर्ण देशामध्ये मराठी भाषा दिवस म्हणून आम्ही साजरा करतो, कारण आम्ही जे लोक राहतो, आम्ही आलो यूपीमधून, बिहारमधून आलो, मग आमची कर्मभूमी आणि जन्मभूमी मुंबई आहे, म्हणून आम्ही सर्वांना मराठी बोला आलं पाहिजे आणि मराठी भाषा दिवस आम्ही सर्वांनी मिळून खूप 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 चांगल्या प्रकारे साजरा केला पाहिजे। समी मुंगेकर जे युवा नेता आहे और मुंबई के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम करते हैं और वो जो भी काम हाथ में लेते हैं उसको पूरा करते हैं, उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया और जितने मराठी भाषा है तो ऐसा कार्यक्रम आज तक गोरेगा में हुआ नहीं, जो समी मुंगेकर जी ने करके दिखाया। इस कार्यक्रम को लेकर मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे समीर मुंगेकर मुंबई प्रतिनिधि हैं, इन्होंने इतना अच्छा मराठी भाषा का जो कार्यक्रम इन्होंने किया, हमारे उत्तर भारतीय को देख के, मतलब उत्तर भारतीय की तरफ से मैं तालुका प्रेसिडेंट हूँ और बहुत अच्छा लगा मैडम ये कार्यक्रम देख के, उत्तर भारतीयों का भी बहुत उत्साह बना। इस तरह से हमारी सेना ने जो पराक्रम और दिखाया है, आपको क्या लगता है जिस तरह से लोगों को कहना था 56 इंच का था मोदी का, प्रधानमंत्री का?
सभी की खुशी की बात है, मोदी जी ने जो कराया है, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, उनके आदेश पे हुआ है, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। लेकिन आप सभी को जानना चाहिए कि जो सैनिक थे और जो वहाँ पर मिसाइल थी, जो प्लेन थी, वो सब कांग्रेस की सरकार में खरीदी गई थी और कांग्रेस सरकार ने ही उसको खरीदे थे। तो एक क्रेडिट पूरे देश को जाना चाहिए, ना किसी मोदी जी को जाना चाहिए, ये हर एक नागरिक का क्रेडिट है, हर एक नागरिक का विश्वास है जो पूरा हुआ। आज हमारी सबकी तमन्ना थी पूरी, तो ये इसका क्रेडिट किसी एक को नहीं जाना चाहिए, पूरे देश को, हर देश के हर नागरिक को जाना चाहिए। तो मैं पहला से अभिनंदन कर दूँ कांग्रेस करके राजकीय पक्ष करके मराठी भाषा दिनाचा कार्यक्रम आयोजित केला आणि गाण्यांचा कार्यक्रम केला। मराठी भाषा ही खूप समृद्ध आहे, अभिजात भाषा आहे, पण तिचा आनंद आपल्या या मुंबईच्या जबरदस्त्या आयुष्यात आपल्याला नाही कसा घेता येईल। पण मराठी गाण्यांची गंमत, सौंदर्य, तिची ताकद दाखवणारा गिरी ठाकूरांचा हा कार्यक्रम समीर भाऊने आयोजित केला, गोरेगावात केला, आपल्या वस्तूत केला, त्याचा मला जास्त आनंद आणि अभिमान वाटतो। समीरचं सामाजिक काम, राजकीय काम हे पाहतोच आहे, पण भाषेवरचं प्रेम आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातली आवड या दोन्ही गोष्टी अधिक कौतुकास्पद आहेत आहेत। त्याबद्दल समीर मुंजेकरांचे मी मनापासून अभिनंदन करतो। नेहमीच ज्या पद्धतीने कामं करतात त्यामुळे समोर असलं पाहिजे असं मला मनापासून वाटतं, आणि मुख्यतः समीर मनाचा मोकळा माणूस आहे, त्याला ओपन माइंडेड म्हणतो आपण, खुल्या दिलाचा, आणि खुल्या दिलानं तो कोणासोबतही जातो त्यात भेदाभेद करत नाही। भारतीय वायुसेना ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है उसको मैं सलाम करता हूँ, और अब मेरी प्रार्थना है कि अभिनंदन जो वहाँ पकड़ा गया है वो वापस आए, खुशामत आए, सारे भारतीय उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडियन आईज 24 न्यूज। प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, press the bell icon for future notifications, click on the like button, must do share the link, thank you.